8 सितंबर को पुलिस की लिखित भर्ती परीक्षा के दौरान उपमंडल दून के गुरुवाला पंचायत दो सिख युवक गात्रा पहनकर परीक्षा देने गए थे, लेकिन उन दोनों युवकों को अधिकारियों द्वारा परीक्षा हॉल के अंदर नहीं जाने दिया। दोनों युवक अधिकारी और स्टाफ के समक्ष अपने भविष्य को लेकर गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी, जिसको लेकर आज उन्होंने SGPC मेंबर और श्रीमोनी अकाली के हिमाचल के अध्यक्ष दिलजीत सिंह भिंडर की अगुवाई में सिख समुदाय के लोगों ने एकत्रित होकर एक मार्च निकाला और SDM नालागढ़ के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और सिख धर्म की आस्था व उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों व स्टाफ पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त करने की मांग भी की। ईश्वर सिंह कुंडरवाड़ा सर, हम गए थे टेस्ट के लिए और वहाँ पे जब हम गए अंदर जाने के लिए हमने एंटर किया तो हमें बोला कि जब हमारी चेकिंग हुई तो उसके बाद हमें बोला गया कि आपकी अपनी गात्रे कृपाना खोल के बाहर आओ, तो हम टेस्ट में जाने के लिए आपको इजाज़त देंगे। तो हमने सर से साथ बहुत रिक्वेस्ट की कि भी हमें अंदर जाना दिया जाए, फिर उन्होंने मना कर दिया कि अंदर ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा कि हमें ऑर्डर है। फिर मैंने उनके बड़े साहब से बात की, IPS थे, जो भी हमें अंदर जाने दिया जाए। सर ये तो कोई बात नहीं है, ये तो कोई रूल नहीं है, अभी हम गात्रे कृपाना पाते हैं तो हम अंदर टेस्ट देने नहीं जा सकते, क्योंकि हमने पहले भी टेस्ट दिया था, हमें इसलिए अंदर जाने दिया गया था। इसलिए जब टेस्ट कैंसिल होने के बाद टेस्ट हुआ तो हमें अंदर जाने नहीं दिए। तो प्रशासन हमारी मांगे पूरी हुई है, अगर आप अगला कदम हम हाई कोर्ट तक जाएंगे। जो साढ़े दो सिख नौजवान पिछले दिनें 8 तारीख को पुलिस की भर्ती के लिखित टैसट देने दे सोलन गए थे, उन्होंने उत्थे मौके पर मौजूद पुलिस के अधिकारियों ने इन्हों कहा कि तुम गात्रे पाई हुई कृपाना जीडिया अपन खोल के तुम्हें टैसट के एंटर होता जाएगा, जो कि बहुत ही मंदभागी घटना सी। असी इस समुची गल की समुचा ही सिख समाज बहुत ज़्यादा निखेधी जी करते हैं, जिथे साढ़े श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भाई गोबिंद सिंह जी लौंगोवाल साहब से श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार सिंह साहब यानी हरप्रीत सिंह जी ने भी इस गल की कड़े शब्दों के निखेधी की है। उत्थे मैं भी अपने वालों इस गल की बहुत ज़्यादा निखेधी जी करदा, तो समुचे सिख समाज ने इस गलू बहुत डूंघाई दे लिया। इस करके साढ़े नालागढ़ सब डिवीजन से बद्दी सब डिवीजन के समुचे ही लोग अज इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने मेमोरेंडम देने जो जोड़ा एक दिता वो असी SDM साहब के राही हिमाचल सरकार लिए भेजे। धारा 25 के तहत हरेक सिख को इस गल की इजाजत है कि वह गात्रे कृपान पा के भावें सुप्रीम कोर्ट है, भावें हाई कोर्ट है, भावें संसद भवन है, तो भावें विधानसभा है, भावें कोई सैक्रटेट है, हरेक थान से असी गात्रे कृपाना पा के सानू धारा 25 के तहत हिंदुस्तान के संविधान के छूट प्राप्त है। अदरवाइज कोई होर उपरा बंदा, कोई गैर सिख बंदा, कोई 1.5 इंच का ब्रेड भी अपने नाल कैरी नहीं कर सकता, उस दे उत्ते आर्म एक्ट लग सकता है, तो लग भी जाता है। ये सिर्फ तो सिर्फ खालसे दी कुरबानियां नूं देखते हुए, खालसे की ट्रडिशन नूं देखते हुए संविधान की धारा 25 के तहत खालसा पंथ नूं इस समुचे का अधिकार है। अज हिंदुस्तान ही नहीं, कनेडा, अमरीका ते होर विकसित देशों के जिहड़ा है सिखां नूं दस्तार सजा के कृपाना पा के शरेआम घूमन फिरन का हरेक काम करन का मौलिक अधिकार जिहड़ा प्राप्त होया। मैं इन्हां दो सिख नौजवानों की शलाघा करदा जिन्हां ने नौकरी नूं एक पासे करदे होए अपने धर्म नूं जिहड़ा सर्वोच्च रख्या, एक कलगीधर पातशाह इन्हां दोहां ते वड्डा किरपा वड्डी किरपा इन्हां ते करन, ते इन्हां नूं खालसा पंथ दे विच हमेशा ही इसे तरह सेवा दा बल बुद्धि ते समर्था कलगीधर पातशाह बख्शिश करन। सरकार तों असीं डिमांड करदे हां कि इस सारी घटना की 7 दिन के विच जांच कराई जाए, तो जे घटना दे नाल सानूं संतुष्ट करदे आ तां नहीं तां इन्हां बच्चियां नूं समेत ककारा दे कृपाना दे समेत इन्हों दोबारा जिहड़ा उदों तक पुलिस की भर्ती रोकी जाए, जदों तक ये टैसट साढ़े बच्चे टैसट के अपीयर नहीं होंगे उदों तक सारी भर्ती जी रोकना चाहिए। जे सरकार ने ना रोकया असीं हाई कोर्ट जावांगे। स्थानीय जो हमारे बद्दी के रहने वाले दो युवक जो हिमाचल प्रदेश पुलिस की लिखित भर्ती के लिए 8 तारीख को जो परीक्षा हुई थी उसमें अपीयर हुए थे, तो किन्हीं कारणों से उनको अनुमति नहीं दी गई, तो उस विषय पे स्थानीय समुदाय, एक विशेष समुदाय के लोग हमारे पास आए थे, मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन दिया
जिसमें उन्होंने अपनी ग्रीवेंसेज लिखी कि बच्चों को पेपर देने के लिए इनकार किया गया है, तो उनकी जो ग्रीवेंस है वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी जिलाधीश महोदय के माध्यम से सरकार तक पहुँचाई जाए। अब हम तो एक माध्यम हैं इस सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के, तो क्योंकि तो सरकार लेवल पे जिस तरह से भी जो भी तथ्य होंगे उस पर उचित कार्रवाई की। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।